नमस्कार, मैं प्रियंका पांडे, कविता कारवा लखनऊ से। मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी की कविता एक बूंद पढ़ने जा रही हूँ। ये कविता इसलिए क्योंकि मुझे ये कविता ऐसी लगती है कि जीवन के किसी भी मुश्किल हालात में इसे पढ़कर आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी वेदना में कैसे एक सशक्त प्रेरणा छिपी हुई हो सकती है। एक बूंद जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। देव मेरे भाग्य में क्या है बड़ा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर।